सो हाउ टू चूज द राइट करियर की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है, राइट? तो हम एसएससी मतलब 10th के बाद की जो मेन तीन स्ट्रीम्स है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज़ साइंस, सेकंड इज़ कॉमर्स एंड थर्ड इज़ आर्ट। अगर आप आर्टिस्टिक पर्सन हो, आपको लैंग्वेज पसंद है, आपको सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, जर्नलिज्म में आपको आगे बढ़ना है, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या आपको आर्ट एंड कल्चर टाइप की चीज़ें पसंद है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। देन कॉमर्स, जो कॉमर्स है उसके अंदर नॉर्मली आप बीकॉम देख सकते हो, सी उसमें सीए जो है, एमबीए है, बीबीएम है, फिर बीबीए है, बीएएफ है, ठीक है, ये सारी स्टडी आप कर सकते हो। देन साइंस की, अगर आपको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसमें मेडिकल में, देन पैरा मेडिकल्स में आगे बढ़ सकते हैं, देन इंजीनियरिंग में, और कोर साइंस मतलब एक रॉ साइंस जिसके अंदर आप पूरे बेसिक सीखोगे साइंस में, राइट, उसको हम कोर साइंस कहते हैं, जिसको हम बीएससी भी बोलते हैं, जैसे बीकॉम और बीए होता है बैचलर्स में नॉर्मल, वैसे बीएससी। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वही साइंस लेते हैं, ठीक है, जिसका मैथ्स और साइंस अच्छा होता है वही लेता है। तो ये थोड़ी ज़रूरत चीज़ है कि जब आप साइंस लेते हो तब, बट यही मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप सीए देखते हो, एमबीए अगर देखते हो, ठीक है, तो इस फील्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आप इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉमर्स है तो वो साइंस से कम है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ होता है पेरेंट्स को कि साइंस में जाएंगे तो कॉमर्स में की कोई वैल्यू ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंस भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं लेकिन सभी लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते, कॉमर्स भी सब लेते हैं लेकिन सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते। डिपेंड करता है कि आपको पसंद क्या है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद होगी तो आप उसके अंदर आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जैसे कि हम सीए की बात कर लेते हैं और एमबीए की, ठीक है, तो सीए और एमबीए को भी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वो कॉमर्स फील्ड की है तो उसमें पैसे कम मिलेंगे, और सीए और एमबीए अगर आपको करना हो तो उसके लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीए और एमबीए के स्टूडेंट मतलब जो आईआईएम से पढ़े हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ से अगर आप बाहर निकलते हो, आप जॉब करते हो, तो आपकी सैलरी हो सकती है कि जो इंजीनियर है और डॉक्टर है उससे ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम होंगे या आपकी सैलरी कम होगी। उसी तरीके से अगर साइंस आप लेते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर बनना हो तभी आप साइंस लो, आप पैरामेडिकल्स में भी जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को मेडिकल और पैरामेडिकल का मतलब नहीं पता। मेडिकल्स मतलब जो मेन स्ट्रीम होती है, जैसे एमबीबीएस हो गया, सर्जन हो गया, ठीक है, ये प्योरली मेडिकल बोलते हैं। और जो पैरामेडिकल्स हैं, जैसे आप एमएससी नर्सिंग करो, बीएससी नर्सिंग करो, राइट, जो नॉर्मल नर्स होते हैं वो, और जिन्होंने एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग की है वो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। देन आती है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, राइट। देन आता है कोर साइंस, जिसकी बात हमने ऑलरेडी की है, जिसको हम बीएससी भी बोलते हैं। तो बीएससी में क्या होता है, आपको जो भी मेन तीन चार सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी भी हमको पता है कि दो चीज़ों से बनी होती है ना, उसके अंदर भी दो मेन सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आपको अच्छे से पूरा इंडिविजुअली वो पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा, राइट, तो आप उसके अंदर बैचलर्स हो गए, और आगे और बढ़ोगे तो उसके अंदर भी मास्टर्स हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो ये हमने कुछ सिंपल सी बातें की कि आफ्टर 10th आप ये तीन मेन जो स्ट्रीम्स है वो ले सकते हो, बट इसके अलावा भी कुछ स्ट्रीम्स होती हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, तो हमने मेन तीन स्ट्रीम्स की तो बात कर ली, ठीक है, बट कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको अब स्कूलिंग नहीं करनी 10th के बाद, 11th 12th नहीं करना, तो वो क्या कर सकते
सकते हैं, वो इंटरमीडिएट कोर्सेज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक ज्वाइन कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, फिर पैरामेडिकल्स की जो फील्ड है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसके अंदर DMLT आ जाता है, फिर DHFM आता है, DOA आता है, DOT आता है, वो सब आप कर सकते हैं। देन शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे DTP, टैली, ग्राफिक, PGDC। आपने टैली का बहुत बारी सुना भी होगा, अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हो या कुछ और करते हो, तब फिर ग्राफिक्स तो वो भी अच्छा ग्रोइंग करियर है आपके लिए, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप आउट ऑफ स्ट्रीम जाके जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ नई लगे उसके बारे में ढूंढिए, आपको यहाँ बहुत सारे नए टर्म्स मिलेंगे। जैसे मैंने इंटरमीडिएट्स के बारे में यहाँ पे देखो लिखा है, MPC है, फिर HEC है, तो ये शायद आपको नहीं पता होगा। फिर इसके अंदर EEE है, सिविल जो पॉलीटेक्निक है वो सिविल मैकेनिकल, वो सब आपको पता होगा, लेकिन EEE आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा पता होगा। फिर ITI में जाके आप भी बहुत सारी जो फील्ड्स है वो देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी नई चीज़ें हैं आपके पास अभी टाइम है स्कूल ओपनिंग होने तक, तो आप उसके बारे में जानो, फिर आगे और आपकी उसके अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती है वो देखो, उस तरीके से अपने स्ट्रीम सिलेक्ट करो। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि आपको कैसे अपना जो करियर है वो सिलेक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा चार्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर बताया गया है कि आप अपनी करियर प्लानिंग कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप कैसे हो, लर्न अबाउट योर सेल्फ, आपका नेचर कैसा है। देन आप देखो कि आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है, आपके पास कौन से स्किल्स हैं। आप एंकरिंग अच्छी कर सकते हो, आपका राइटिंग अच्छा है, आप कोई भी स्टोरी अच्छे से लिख सकते हो, गाने बना सकते हो, या आप मैथ्स पे प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, या आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर सकते हैं, वॉट एवर योर स्किल इज, राइट। आपको उसके बारे में जानने की कोशिश करने की आपके पास कौन सी स्किल है, ठीक है। देन आपको अब ऐसे करियर ऑप्शंस देखने हैं जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स यूज़ कर सको। मान लो कि जैसे अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, या आप स्टोरी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, पोयम अच्छे से लिख सकते हो, राइट, फिर आप उस हिसाब से अपना करियर देखो कि आप किसके अंदर जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आर्ट्स फील्ड के अंदर आती है, ठीक है, तो आप वो सिलेक्ट करो। हो सकता है फ्यूचर में एक अच्छे पोएट, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में कभी कोई मूवी लिख सकते हो, ठीक है, या वेब सीरीज लिख सकते हो। अगर आप पोएम अच्छे से लिख सकते हो तो हो सकता है फ्यूचर में आप किसी मूवी के गाने लिख सको, खुद की एक बुक बना सको, राइट। तो आपके पास जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अब अपना करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बारे में रिसर्च करना है कि कहाँ कहाँ पे आप अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हो, ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पे आपकी स्किल्स यूज़ होगी और एनहांस होगी। अब आपको क्या करना है, लिंक योर मेजर एंड योर करियर। अब आप देखो कि आप जो फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, ये आगे तक चलेगी क्या, ये आपका करियर ऑप्शन बन पाएगा, आप अच्छे से सोचो, ठीक है। देन नो योर सेल्फ। अब नो योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप खुद को जानो, राइट, कि आपको आगे ज़िंदगी में पैसे ही कमाने हैं, या फिर आपको आपके जो भी पसंद है उसको लेके पैसे बनाने हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो और फिर अपना करियर ऑप्शन सिलेक्ट करो। So it is the end of my video today. Thank you for the listening and please subscribe my channel. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। बाय।